हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। और आज हम लेके आए यू टर्न के ट्रेलर का रिएक्शन। एंड यू टर्न जो है ये एक अपकमिंग मूवी है जो Z5 पे प्रीमियर होगी 28 अप्रैल को। सो डायरेक्ट OTT पे मिल जाएगी। एंड जहां तक बात करें इसके मेन एक्ट्रेस की, वो है अलाया। उन्होंने जवानी जाने मन में एक्ट किया था एंड उसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का। सो इसका मतलब ये है कि हमें एक्टिंग के कमाल की उसमें कोई कमी नहीं दिखने वाली है, तो वो बहुत कमाल की एक्टिंग करेंगी। अब देखना होगा ट्रेलर से हमें क्या समझ आता है। 2 मिनट का ट्रेलर है। ऑफ कोर्स जब ऐसी जो थ्रिलर मूवीज होती है ना, तो उसका ज्यादा लंबा ट्रेलर नहीं रख सकते क्योंकि उनको काफी चीजें छुपानी होती है और काफी क्यूरियोसिटी बिल्ड करनी होती है। सो देखते हैं इसका ट्रेलर हमारे को कितना एक्साइट करता है। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। मर्डर सुना सर? क्या लग रहा है सर? देखने में तो सुसाइड लग रहा है। मर्डर विल बी प्रोवाइड। बॉडी किसको मिली? हाँ जी, प्रेस वाली मैडम आई जी। क्या इन पे डाउट हो रहा है? राधिका बख्शी बताइए जो गई थी कल रात अपने घर पे। यूटर मैं बेटी 6 महीने से स्टोरी कर रही हूँ NTPC फ्लाईओवर पर। कैसी स्टोरी? स्टोरी बहुत सिंपल बताई गई है ऐसे। एट योर ओन रिस्क। सर थोड़ी गड़बड़। ये सारे के सारे 10 लोग जो तुम्हारी डायरी में मेंशन है सब मर चुके हैं। Oh my God! क्या शॉट था वो भाई! Please tell me what's going on so that I can help you. कुछ तो छुपा रही हो तुम इस बाजी। पर मुझे अपने तरीके से निकलवाने पे ना मजबूर मत करो। मैं ही ये सब कर रही हूँ तो यहाँ क्यों आई हूँ तुम्हारे पास? हम आपका चक्कर है सर। आपकी और हमारी समस्या बिल्कुल परे। सर ये लड़की सस्पेक्ट नहीं लग रही। पत्रकार है। जिसके आसपास जा रही है वो मर रहा है। जो बाबे सच्ची भी लगने लगती है। Oh my God, ये तो देखना पड़ेगा। कौन है? वाह यार, क्या कमाल का लास्ट में जंप स्केयर डाला हुआ है ट्रेलर के अंदर ही। और बहुत ज्यादा ये हॉरर स्कैरी मोमेंट्स भी हैं। लाइक मेरे को लाइक ऐसा उम्मीद नहीं था। यू टर्न से मुझे उम्मीद था एक थ्रिलर होगी, बट यहाँ पे एक थ्रिलर भी है और साथ में हॉरर भी है। सो इन दोनों का जब मिक्स होता है ना, बहुत ज्यादा मजा आता है। और साथ में तारीफ करनी पड़ी अलाया एक्टिंग की, क्योंकि वो बहुत ही फाइन लग रही है। लाइक स्टार्टिंग में इतनी जॉली नेचर की एंड जिस तरीके से वो मूव कर रही है, बट वहीं वो जैसी गेम सीरियस हो रही है वो सीरियस हो रहे हैं। एंड लाइक किस तरीके से लाइक उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या, वो खुद ट्रैप में फंस रही है या वो बाहर निकलना चाह रही है या वो खुद ट्रैप बना रही है। अब हमें भी नहीं पता कि वो क्या करना चाह रही है, क्योंकि उन पे पुलिस वाले शक कर रहे हैं। पर लास्ट में उनको होता है कि नहीं। इवन मेरे को पुलिस वालों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, क्योंकि वो भी पूरा टाइम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। जिधर भी ये लड़की जा रही है वहां कोई ना किसी ना किसी की डेथ हो रही है। और साथ में हमें इसके जो स्क्रीन प्ले है ना, उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी। लाइक किस तरीके से वो जो ब्लड रेड शॉट दिखाया गया था, जहां पे सारे लोग मेरे ख्याल से जो मर गए हैं वो उसके सामने एकदम से आ रहे थे, वो विजुअलाइज कर पा रही थी। इवन जब वो कार चला रहे उनके ऊपर से एकदम से एक डेड बॉडी गिर जाना, तो बहुत सारे ऐसे जंप स्केयर मोमेंट्स होने वाले हैं इस मूवी के अंदर। और मुझे ये बहुत कमाल की मूवी लग रही है। एंड साथ में मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपने कोई प्रीवियस वर्जन देखी भी होगी ना इस मूवी की, तो भी आप ये जरूर देखना, बिकॉज मैंने देखा है कि हर एक ऐसी मूवी में हर एक नया टच जरूर लाया जाता है। और इस मूवी में भी ऐसा लग रहा है कि इसमें अपना एक टच लाया गया है, जिसकी वजह से आपको एक ऑथेंटिक फील आएगी। और साथ में ये है कि ये यू टर्न जो है ना, स्टार्ट बहुत जैसे वो लेडी बताती है कि बहुत सिंपल है कि वो सिर्फ वो ब्लॉक्स हटाने का जो उसके ऊपर ही रिपोर्टिंग कर रही होती है, लेकिन उतनी बड़ी एक मर्डर मिस्ट्री बन जाती है एंड बहुत सारे हॉरर मूवमेंट्स के साथ फील्ड हो जाती है। तो ये काफी कमाल का लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।